मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। बहुत भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दे, पैसे दे दे। तेरा सुहाग जिंदा रहे। मैदान भी मजबूत। बहुत गर्मी है साली में, उठाओ इसको भी। क्या माल है मेरी जान। आग हूँ आग, हाथ मत लगाना नहीं तो जलकर राख हो जाओगे। पुलिस भागो। अरे भागता का है साले, अपनी बदमाशियाँ बंद नहीं की ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि औरतें तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगी, तब मर्दों का रास्ते पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोने से कुछ नहीं होगा। आज के बिगड़ते माहौल में अगर अपने आप को बचाना है तो अपने आप को बोल्ड बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, बोल्ड बनो, बोल्ड। हेलो सर। पीटर। यस सर। नीचे कोई मेहमान आया, उनका खास ध्यान रखना। हाँ मैं सब समझ गया सर, सब अरेंजमेंट हो जाएगी। हाँ खेल शुरू। इसे फूलों का गुलदस्ता नहीं फूलों का बगीचा ही समझिए। टाइम थोड़ा शॉर्ट था, नहीं तो आपके कदमों में फूलों का बगीचा ही होता। ऐसा मैं नहीं, मेरे मालिक का कहना है। कौन है आपके मालिक, मैं उन्हें नहीं जानती। जान जाएगी, अभी तो शुरुआत है। कुमार साहब है मेरे मालिक और इस क्लब के भी वो मालिक है। ओ तो ये आपके कुमार साहब की जरा नवाजी है। मैडम आप जब भी हमारे क्लब में आती हैं हमारे क्लब की शान बढ़ जाती है। पीटर मैं मैडम को लाइफ मेंबर बनाना चाहता हूँ, मेरा मतलब क्लब का, कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मैनेजमेंट की तरफ से। थैंक यू कुमार साहब। हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका ये खूबसूरत बदन और ये फिगर माशाल्लाह क्या बात है, बनाने वाले ने भी क्या फुर्सत से बनाया होगा। आपकी ये खूबसूरत आंखें, ये लंबे बाल और गालों पे ये जो डिंपल,
एक्सक्यूज मी कुमार साहब। सर ये मेरी पड़ोसन है और इसका बाप सप्लायर है। सप्लायर? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर। चल फुट 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 फुट, बड़ा हिमायती बन रहा है। चल चल चल, फुटले फुटले, चल चल निकल जाता है। तो लेके जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। वाह, कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? रात के 3 बजे नशे में धुत सड़क पे घूमती हो, वो तो शुक्र मानो कि मैं सेवक पे आ गया, नहीं तो क्या शुरू था तुम्हारा? अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ उतरना पड़ा। प्लीज तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो ना। कहाँ है तुम्हारा घर, जल्दी बोलो। मेरा घर। अच्छा तुम्हारे घर का फोन नंबर क्या है वो तो बोलो। मेरे घर का नंबर 10 है साहब। पंडित प्रिया आ गई क्या? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? जी नहीं। क्या करती रहती है ये लड़की? नीचे सो रहा है, पूछता हूँ। जागो सोने वालों, रोए मेरी जवानी। पानी 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 नहीं, ऊपर आ गए आग। ये सब क्या लफड़ा है? यार मत पूछ, बहुत बड़ी मुसीबत है, रात भर सोने नहीं दिया। नहीं नहीं है ना, रात भर थोड़े सोने देगी। एक तो मजाक मत करना, इस प्रॉब्लम को मैं अभी ऊपर से नीचे लेके आता हूँ। ये कपड़े। कपड़े दे। अरे कपड़े मैं बना दूंगा। नहीं। अच्छा मैं आंख बंद करके देखूंगा। कोई जरूरत नहीं।
अरे मैं दूर से देख, यही रखो। अरे तेरा क्या जाता है यार, बट शी इज वेरी प्रिटी गर्ल। ये कहां से लेके आया यार, ये कपड़ा मुझे दे। हाँ हाँ, अरे एम साहब उठिए। अबे एम साहब उठिए, चलिए। ऐसे नहीं, फिर तभी इतने सालों से तेरे से कोई लड़की पटती नहीं है। इधर देख मेरे को, मैम साहब। आप लोग कौन हो? मेरा नाम जॉन है और इसका प्रेम। वो सब तो ठीक है, पर मैं यहाँ कैसे आई? मैम साहब, रात को आपने बहुत ज्यादा टिकाली थी, कुछ गुंडे पड़ गए थे आपके पीछे। शुक्र मानिए कि मैं वहाँ सही वक्त पहुँच गया और आपको उनसे बचाकर अपने घर ले आया। पर मेरे कपड़े, ये कपड़े ये आपके। रात को अपनी गर्मी दूर करने के लिए आप हमारे बाथरूम पहुंच गए, सारे नल खोल दिए। शुक्र मानिए मैं उठा हुआ था, नहीं तो हमारा सारा घर स्विमिंग पूल बन जाता। खुद तो डूबती, साथ में हमको लेके डूबती। ये लीजिए पकड़िए अपने कपड़े, उठिए निकलिए यहाँ से। कपड़े उतारने में इतनी जल्दी की, थोड़ा टाइम लगा के पहनाना उसको। एक काम कर, जॉन काम कर, तू 2 मिनट के लिए बाहर जा, मैं 15 मिनट में इसको कपड़े पहना कर आता हूँ। जॉन ये देखो, मेरा दोस्त नहीं मेरा दुश्मन है, जब देखो बीच में। जॉन आप कृपा करके कपड़े पहन के शीघ्र बाहर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी हाँ। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? जॉन प्लीज कीप क्वाइट यार, मेरा सर फट रहा है प्लीज। यहाँ पर सब कुछ फट रहा है, जब पैसा चाहिए तो जॉन की याद आती है, जब झगड़ा करता है तो जॉन की याद आती है, जब खाना चाहिए तो जॉन की याद आती है, जब लड़की के कपड़े उतार रहा था तो जॉन की याद नहीं आई। जॉन ऐसा कुछ नहीं है, तू तो यू ही सोचता रहता, वन ट्रैक माइंड सोच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप मुझे घर छोड़ देंगे? मैं हूं ना, मैं आपको छोड़कर आता हूं ना घर पे। जॉन प्लीज आप खुद ही मैनेज कर लीजिए। इट्स ओके, आई मैनेज। और सुनिए, रात को अगर घूमने का इतना ही शौक है ना तो साथ में 2 बॉडीगार्ड रख लीजिएगा। इसको रख लो ना, कितना अड्डा कट्टा अंग रक्षक। जॉन थैंक यू, आई मैनेज, गुड बाय। जॉन उस तरफ चले गई, कुछ रॉन्ग विद यू मैन। ओके प्रिया, बेटी अभी तक कहाँ थी तुम? टीना के घर पार्टी थी पापा, वही देर हो गई। तो बेटे फोन तो करना चाहिए था ना। सॉरी, वहाँ बहुत गड़बड़ हो गई थी पापा। तुम्हारी यही गड़बड़ देख लेना, एक दिन तुम्हारे पापा की परमानेंट गड़बड़ कर देगी। तुम मेरी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। मैं आपकी शराफत का नहीं, आपके प्यार का फायदा उठा रही हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी कमजोरी हूँ। वो तो हो बेटी, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना। तुम अपने पापा के गुस्से को अच्छी तरह से जानती हो। मैं एक दिन तुम पर इतना गुस्सा करूंगा कि वो दिन ही नहीं आएगा कि आप मुझ पर गुस्सा करें। पापा की बेटी पापा के मन और पापा के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से जानती है। आई नो इट बेटी, लेकिन बेटी एक बात का ख्याल रखना। बड़े बुजुर्गो ने कहा कि चमनी गिर जाए तो उठा सकते हैं, लेकिन इज्जत गिरने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना पापा? ऑफ कोर्स, आई ट्रस्ट माय डार्लिंग डॉटर। ओके बेटी, अब मैं चलता हूँ। पापा आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बेटी मेरी एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है कुमार बिल्डर्स के मालिक के साथ। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट दी है उसने, बहुत बड़ा आदमी है। बस दुआ करो कि तुम्हारे पापा की ये मीटिंग कामयाब हो जाए, उसके बाद तुम्हारे पापा माला माल हो जाएंगे। ओके बेटी, आई लव यू बेटी, आई लव यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक पापा। पीटर, सब सेटिंग वेटिंग कर ली ना तुमने ठीक तरीके से? हाँ सेटिंग में आपकी करवा दूंगा, लेकिन मेरा ध्यान रखना। हाँ आइए आइए आइए। दैट्स इट, थैंक यू सर। ये है मिस्टर मल्होत्रा, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर नंबर 1। और कुमार साहब को तो आप जानते होंगे। क्यों नहीं। हेलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, प्लीज सर, थैंक यू।
सर क्या नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच। बस कुमार साहब से मुलाकात हो गई तो पेट अपने आप भर गया। दरअसल मेरे ऑफिस के लोग बहुत चक्कर काट रहे हैं आपके ऑफिस के। लेकिन आपके लोग हैं कि हाथ ही नहीं रखने देते। अरे हाथ रखने की क्या बात करते हो, सब कुछ रख लो। कुमार साहब से मुलाकात हो गई है और हमारे साहब की मेहरबानी हो गई तो मल्होत्रा साहब दिन में 4 बार भगवान को याद करते हैं ना, तो 8 बार आपको याद करते हैं। इनकी बड़ी इच्छा है आपसे रिश्ता जोड़ने की। ऑफकोर्स, अगर कुमार साहब से रिश्ता जुड़ गया तो और क्या चाहिए। यू आर द बेस्ट कुमार साहब। थैंक यू। सारा शहर एक तरफ और कुमार साहब एक तरफ। बस एक बार मौका दे दीजिए, फिर देखिएगा, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। और हाँ, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, सप्लाई में किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलेगी आपको। हम तो खुद आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हमें अच्छे लोगों से हाथ मिलाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच कुमार साहब। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, क्या प्रिया, यू आर ऑलवेज लेट, आई एम रियली सॉरी, टेक इट इजी। मेन्यू प्लीज। तुम लोगों को जो खाना है वो ऑर्डर कर दो, मेरे लिए क्लियर सूप प्लीज। जी। डोसा। ये सुनो जी, उस टेबल पर जो साहब बैठे हैं ना, उनका बिल मैं पे करूंगी। लेकिन आप क्यों मैम? तुमसे जितना कहा गया उतना करो, तुम्हें टिप मिल जाएगी। समझ गया मैम, समझ गया। अरे प्रिया, तुम क्यों चुका रहे उस टेबल का बिल? उसका एहसान है मुझ पर, वही चुकाना है। ऐसे काम नहीं चलेगा यार। जी। We need to make some progress. Don't really look at it. नहीं नहीं सर। ऐसा नहीं होगा। वेरा। यस सर। बिल क्या हुआ? सर बिल तो चुका दिया वो मेम साहब ने। क्या? हाँ सर। किसने चुका? वो मेम साहब, वो बेटी उसने। तुमने दिया क्यों है? सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा? हाँ सर। एक काम करो जी, उस टेबल का जितना भी बिल है। हाँ जी। यहाँ पे ले गया सर, उसका बिल बहुत ज्यादा है सर। ये पढ़ी दूंगा ना, लेके तो आओ। समझ गया सर, समझ गया। आया 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 भाई आया, कितनी घंटे बजाते हैं लोग। आइए आइए आइए, वो आए हमारे घर में, खुदा की नियामत है। कभी हम उनको और कभी अपने फटीचर घर को देखते हैं। मुझे मालूम था यही होना था जी। मेरा मतलब है बार बार मुलाकातें हो रही हैं। होने दो होने दो जी। वो मैं किसी का कर्ज नहीं रखती हूँ। वो कहाँ है आपके दोस्त, क्या नाम है उनका? प्रेम। हाँ प्रेम, कहाँ है वो? आपके दिल में जी। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम यहाँ? जहाँ प्रेम वहाँ प्रिया, पीपी, प्रेम और प्रिया का मधुर मिलन। जी 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 नहीं, दरअसल होटल का बिल चुकाकर मैं उस रात का कर्ज अदा करना चाहती थी, पर आपने तो मेरा ही बिल चुका दिया। आप लोग भी ना बहुत कमाल हैं। हाँ ये एक्सिस मनी लौटाने आई हूँ। देखिए बिल आप चुकाए या हम चुकाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी इंसल्ट मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक्स अ लॉट। एनी टाइम। ओके बाय बाय बाय। फिल्म शुरू हो गई। वाह कुमार साहब वाह, आपका जवाब नहीं। शहर का बड़े से बड़ा आदमी आपके सामने छोटा सा लगने लगता है, और फिर वो बांद्रा वाले प्लॉट पर भी आपने जैन को हाथ नहीं लगने दिया। मल्होत्रा साहब, मेरी माँ उस प्लॉट को बहुत पसंद करती थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपनी होने वाली बहू को उस प्लॉट में एक शानदार बंगला बनाकर शादी के मौके पर गिफ्ट करें। हेलो हेलो पापा, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ हैं? हाँ बेटी, तुम 5 मिनट के लिए ऊपर आ जाओ, तुम्हारे आने से हम ये बाजी जरूर जीत जाएंगे। नहीं नहीं पापा, हम ऊपर नहीं आएंगे, आप नीचे आ जाओ। नहीं बेटी तुम आओ, हमारे लिए ये बाजी जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहाँ है आप? बिलियर्ड रूम में। खेल शुरू हो गया? नहीं नहीं लिखने का नहीं। पापा
आओ बेटी आओ। इनसे मिलो, ये कुमार साहब। हाय। कुमार बिल्डर्स के मालिक और इस क्लब के भी मालिक। अरे तुम्हें पहले से जानती हूँ। पापा, नाम भूलने वाले शख्सियत को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा। चलिए चलते हैं। अरे बेटी, पर जाने से पहले कुमार साहब को घर पर डिनर के लिए इनवाइट नहीं करोगी? पापा, ये आपके दोस्त हैं, आप ही इनवाइट कीजिए। आज आपके पापा हमारे दोस्त हैं, कल आप भी हमारी दोस्त बन सकती हैं। चलिए इसी बहाने दोस्ती की शुरुआत तो करते हैं। बेटी हाथ मिलाओ। एक्सक्यूज मी। ओके। चले पापा। अच्छा 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 बेटा, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। ओके ओके चल। सर, ये लड़की बड़ी बोल्ड है, मेरे पड़ोस में रहती है। इतनी तेज मिर्ची है, खाने की जरूरत नहीं है, हाथ लगाने से मुंह जल जाता है। आग है आग। आग से खेलना हमारी फितरत है। मुझे आपके कुमार साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, कुमार साहब तो शहर की बहुत बड़ी हस्ती है। अरे उनके पास बेशुमार धन दौलत पोजीशन पावर सब कुछ है, जानती हो लोग उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं। और तुम तो बहुत भाग्यशाली हो बेटी, जो उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आई डोंट लाइक दैट मैन। बट व्हाई, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? हाँ, शायद तुम उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिली हो। एक दो बार मिलोगी ना, अपनी राय खुद ही बदलोगी। पापा, किसी को समझने के लिए दो चार मुलाकातें जरूरी नहीं होती है, एक बार में ही मालूम पड़ जाता है। आई डोंट लाइक दैट मैन, एंड प्लीज पापा, डोंट फोर्स मी। बेटी, तुम अपने लिए एक अच्छा दोस्त पसंद कर सकती हो, जीवन साथी नहीं। जीवन साथी को समझने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। बेटे, तुमने मुंबई की बरसती हुई बारिश को देखा है, राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान को नहीं। सही सोच वही होती है जो वक्त के साथ हो। फिर हम तुम्हारे पापा हैं, हम जो कुछ भी करेंगे और सोचेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। हमने हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है और हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। जस्ट थिंक ऑफ योर फ्यूचर। आइए बैठिए। वो बोलो ना प्रिया। जॉन भाई साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो मैं आपके दोस्त प्रेम से प्यार करने लगी हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। प्रेम। जॉन, प्रिया यहाँ पर? प्रेम, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैंने प्रिया को तुम्हारा जीवन साथी बनाने का फैसला किया। क्या मजाक कर रहा है यार? प्रेम, मैंने फैसला बहुत सोच समझ के किया है। जॉन, इतने तेज तरार की लड़की किसी के घर की बहू बन सकती है क्या? नहीं यार। आप ठीक कह रहे हैं प्रेम साहब, मैं हिंदुस्तानी बाप की हिंदुस्तानी बेटी हूँ। शादी के बंधन और घर की मान मर्यादा को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। एक बार शादी के बंधन में बंध गई, तो शादी के नियमों का पालन करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी बीवी बनकर रहूंगी। प्रिया, मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, धन दौलत ये सब कुछ नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे पास करियर है। मुझे अपने नसीब पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं तो तुम्हारी राहें बदल जाएंगी। आई लव यू प्रेम, आई लव यू। मुझे ओ सनम, बस तेरा ये प्यार चाहिए। हाय, बस तेरा ये प्यार चाहिए। मुझे ओ सनम, बस तेरा
तेरा ये प्यार चाहिए है, बस तेरा ये प्यार चाहिए। जब से तुझको है जाना तब से तेरा दीवाना, अपना इंतजार चाहिए है, अपना इंतजार चाहिए। कुमार साहब, न चाहते हुए भी हर बाप को अपनी औलाद के सामने कभी न कभी घुटने टेकने ही पड़ते हैं, लेकिन आप इस बात को बिजनेस में क्यों मिक्स कर रहे हैं? मैंने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आगे लोगों को ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, पॉजिटिव चेक इश्यू कर दिए हैं। अगर आपने पेमेंट रोक दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आई बी फिनिश्ड इनफ। कुमार, कौन बेटी अपने बाप की बर्बादी चाहेगी पापा? ऐसा ही होगा बेटी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर कुमार साहब से तुमने शादी नहीं की तो हमें करोड़ों का नुकसान होगा, और फिर कुमार साहब से रिश्ता जोड़ने में हम सबका फायदा ही है। तुम राज करोगी वहाँ, राज, और पूरी वसीयत का इकलौता वारिस है वो। नहीं पापा, मुझे मजबूर मत कीजिए। नहीं बेटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। ये प्यार व्यार का जो जुनून होता है ना, सिर्फ चार दिन का बुखार होता है, और फिर ये जज्बाती फैसले जो होते हैं हमेशा नुकसानदायक होते हैं। जिद इंसान को दीमक की तरह खोखला बना देती है। जिद छोड़ दो बेटी, कुमार साहब से शादी कर लो। आपकी हर एक बात रामायण की तरह सच है पापा, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि आपके कुमार साहब एक अच्छे आदमी नहीं है। वो इंसान आपके बिजनेस डील इसलिए कैंसिल कर रहा है क्योंकि आपकी बेटी ने शादी करने के लिए मना कर दिया। ऐसे आदमी का क्या कैरेक्टर पापा? फिर भी मैं आपके बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती हूँ पापा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है।
जीती रहो बेटी, जीती रहो। आज तुम्हारी इन बातों से मुझे फखर महसूस हो रहा है। दौलत की जरूरत ने तुम्हारे पापा को कमजोर बना दिया था, लेकिन आज तुम्हारे इन चार लफ्जों ने मुझे फिर से मजबूत बना दिया है बेटी। God bless you, my darling. I'm proud of you. I'm proud of you, my darling. जो तुम चाहोगी वही होगा। हाँ बिल्कुल प्रिया, तुमने मुझे अपना जीवन साथी बनाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। कई अमीर लड़कों के रिश्तों को छोड़कर तुमने मुझ गरीब का दामन थामा है। प्रिया, मेरा यह वादा है तुमसे, मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारी खुशियों पे नछावर कर दूंगा। प्रेम, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखूंगी। बीते हुए कल की परछाई आने वाले कल पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। I love you, प्रिया। जांच पड़ताल करके आया हूं सर। आपके दिल को बत्ती लगाने वाला और कोई नहीं, प्रेम नाम का एक लड़का है। अपनी लाइन का ही आदमी है, सिविल इंजीनियर है सर। बहुत मामूली सा आदमी है सर, खाने पीने के वांदे हैं, यहाँ तक कि रहने को घर भी नहीं है। आपका दोस्त नहीं मिला था उस दिन जॉगिंग पे, जॉन जॉन, उसके साथ रह रहा है सर। हेलो जॉन, मैं कुमार बोल रहा हूँ। बोलो मेरी जान, कुमार साहब क्या हाल है? हे जॉन, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आ जाओ आज रात को बैठकर दारू पीते हैं। आज रात को मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल चलेगा क्या? नहीं, आज ही तुम आ जाओ। अच्छा बोल कहाँ आना है? अरे आना यार, लेके आना। अरे भाई मेरा पुराना दोस्त है, मैं जानता नहीं हूँ किसी को। अरे भाई फोन करके बोला है और मुझसे 200 रुपए उधार भी लिया, सूचो मैं लूंगा उससे। मैं आएगा ना, झुक झुक के सलाम करेगा। देख हाँ। कुमार काम तो हो जाएगा मेरा। अरे उसका बाप भी करेगा। जॉन, हे कुमार, हाउ आर यू? फाइन यार। हाय यार, मीट माय फ्रेंड मिस्टर प्रेम, मिस्टर कुमार। हाय सर। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आओ बैठो। कम 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 कम, आजा इधर आजा। यार एक ही शहर में रहकर कभी मिलने का मन नहीं किया? अरे तेरा आता पता मुझे मालूम है, जो तेरे को मिलने आओ। कुमार बिल्डर्स का नाम सुना? हाँ। उसका मालिक मैं हूँ। कुमार मोटर्स का नाम सुना है? हाँ। उसका मालिक मैं हूँ। हाँ। और उस दिन जिस क्लब में तू मिला था ना, उसका मालिक भी
मैं हूँ। हाँ? हे भाई, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कहाँ वो कुमार, कहाँ ये कुमार, इतनी सारी दौलत कहीं डाका डाला है क्या? जॉन छोड़ना, बड़ा आदमी होना, आगे पीछे लोग घूमते हैं ना। बस खैर तू बता, तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बच्चों को कराटे सिखाता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। एक कुमार मेरा छोटा सा काम करेगा यार। बोलना यार, तेरे लिए जान हाजिर है। ये मेरा दोस्त है ना प्रेम। हाँ। ये सिविल इंजीनियर है, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार लड़का है। इसको अपनी किसी कंपनी में नौकरी देना। जॉन तूने हाँ। बोल दिया ना। हाँ। इसे नौकरी नहीं, अपने किसी प्रोजेक्ट में से पार्टनर बना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई कैन अश्योर यू सर, मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ आपकी कंपनी में काम करूंगा। आई विल गिव माय 100% सर। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग प्रेम, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। सर मुझसे कोई गलती हो गई या फिर आप मेरे काम से नाखुश हैं? बहुत खुश हैं हम तुम्हारे काम से। जब भी हम ऑफिस में तुम्हारे बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि तुम किसी साइट पर काम कर रहे हो। इतना काम करने की जरूरत क्या है? सर आपने तो मुझे डराई दिया था सर। सर काम करना मेरा फर्ज है और अगर मैं काम अच्छा करूंगा तो आप खुश रहेंगे, अगर आप खुश रहेंगे तो सर आपके साथ वाले खुश रहेंगे। और वैसे भी सर मेहनत से ही तरक्की मिलती है ना, क्यों सर? गुड, आई लाइक इट। सुना है जॉन के साथ रहना तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगता? खुदा लड़की है सर, कहती है झोपड़े में रह लेगी लेकिन किसी का एहसान नहीं लेगी। मेरे होते हुए तुम्हें झोपड़े में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने 2 महीने में इतनी मेहनत की है कि अपनी कंपनी को डबल प्रॉफिट हो गया है सर। इसी खुशी में मैं तुम्हें एक कार और बंगले की चाबी गिफ्ट देना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम और तुम्हारी बीवी खुश रह सकते हो। सर आई एम सॉरी सर, आई कांट एक्सेप्ट सर। क्यों? अभी अभी मेरे करियर की शुरुआत है सर, बहुत कुछ करना है लाइफ में। I have to prove myself, sir. Please understand, sir. I'm sorry, but I can't accept, sir. रख लो यार, हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा ही लालच है। मेरे कहने का मतलब, अगर तुम अच्छे रहोगे तो हमारी कंपनी की वर्किंग अच्छी रहेगी। और वैसे भी सबको मालूम है हम जिसे पसंद करते हैं उस पर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। Ta-da! Welcome to your new home. Wow, this is so beautiful. How? Look at this. Kaisa laga? Wow. Come here. Yeah, yeah. Stop. Up the stairs. Yeah, dekho. Wow, lovely, no? What a house. lovely painting. Soch raha hu kal tumhari laga do yahan par. And look at the view. And that's our wonderful garden. Wow. Which I bring a bed ke. Ye kya hai? Ye surprise hai. हाँ प्रिया, हमारा मास्टर बेडरूम कैसा लगा? अच्छा है कि नहीं? अच्छा अच्छा है कि नहीं? बेडरूम से तो अच्छे तुम हो प्रेम। क्या कर रही हो प्रिया, कहीं भी शुरू जाती हो प्रिया। ये सब तो मेरी प्रॉपर्टी है ना? वो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी ऊपर ऊपर भी देखना ना प्रिया। हाँ ऊपर बाहर चले, ये शर्ट फट जाएगी प्रिया। बाहर ऊपर, हाँ ऊपर मुझे नहीं। क्या प्रिया, कम ऑन प्रिया, टेरेस कैसा लगा, अच्छा था कि नहीं? And this is our hall, our lavish hall. Yo Priya, kaisa laga ghar? It's wonderful. Prem, tumhari koi lottery lagi hai kya? Haan Priya, lottery to lagi hai. Sachi lottery lagi hai? Priya, sach. Dekho, jab se mera naseeb tumhare naseeb se mila hai, har ek din lottery lag rahi hai. Nahi samjhi? Main samjhata hoon. Tum mili, to kaam mila. Position mili. Gaadi bangla mila. Aur usse bhi zyada, mila tumhara प्यार। रियली प्रिया, यू आर सो लकी फॉर मी। एक बात बोलूं? मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूं जिसे तुम्हारे जैसा पति मिला। धन दौलत पोजीशन, ये तो मौसम की तरह होते हैं, आज है कल नहीं, पर प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। आसो। Thanks, sir. Not for you. Thank you very much for this lovely house. Sir, thank you se nahi chalega. Haath se bhi nahi chalega. Aso. Wish you all the best. Welcome home. Kumar here. Boliye Mehta. Good morning, sir. Haan, Mehta ji. Aap meri kamzori bahut achhi tarah se jante hain.
हम जिसे एक बार पसंद करते हैं उस पर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अजय की शादी है, वो हमारा वफादार आदमी है, उसे 10 लाख रुपए दे दीजिए। ओके। हाँ सिंह साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप आदमी ठीक नहीं है, आई एम सॉरी। अरे प्रेम तुम? सर। कब आए? आओ आओ बैठो, आओ। थैंक यू सर। और सुनाओ कामकाज कैसा चल रहा है? सर जो साइट का काम आपने मुझे दिया था हाँ। वो मैंने वक्त से पहले खत्म कर दिया सर। वेरी गुड। आप फ्लैट की डिलीवरी कस्टमर्स को दे सकते हैं सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। क्या? हेलो। हाँ प्रिया बोलो। डार्लिंग आजाद घर जल्दी आ जाना, हम लोग डिनर पर चलेंगे, सुन रहे हो ना? प्रिया डिनर का प्लान थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, मैं बॉस के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। सॉरी सर। बीवी का फोन था? हाँ सर, वो नई नई शादी हुई है ना। सर विराट प्लॉट का ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर दिया। ओके। आप जब चाहे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं सर। प्रेम, मिस्टर शर्मा आज बैंकॉक से आए हुए हैं जी, आज रात को उनके साथ मीटिंग है जी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मीटिंग में चलो। आज रात को तो मैंने बीवी के साथ डिनर पे जाना है। डोंट वरी, जल्दी छोड़ दूंगा। लेट होना जाने दीजिए ना प्लीज। अरे तो जल्दी होगा तो कैसा भी आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, आपकी शादी हुई है? हाँ। बीवी है? हाँ है। उसे प्यार करते हैं? हाँ। कभी कभी रात को लेट हो जाते हैं? हाँ। फिर आपकी पत्नी आपसे नाराज होगी ना? अरे होगी, लेकिन उसे तेरे को। सर वही मेरा हाल है सर, अपनी पत्नी से कहा था सर कि रात को उसे डिनर पे लेके जाना है, प्लीज जाने दीजिए ना सर। बराबर है, लेकिन कानून है कि नहीं? सर आप ये लीजिए सर, आप बीवी बच्चे वाले आदमी लगते हैं सर, आप मेरी तरफ से प्लीज थोड़ा सा मेरे को रिश्वत देता है? नहीं, कहाँ। एक काम कर, ये तू रख और अपनी बीवी को मिठाई लेके जा। अगला सिग्नल तोड़ दूँ? हाँ चल चल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Darling. Oh, darling. Priya, I am so sorry, Priya. वो बड़े साहब के साथ लास्ट मिनट मीटिंग में जाना पड़ा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी प्यारी प्यारी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही है, उसे मैंने डिनर पे लेके जाना है, लेकिन बड़े साहब है कि बस पांच मिनट बोलते रहे। वो बैचलर आदमी ना प्रिया, अब उन्हें क्या पता कि मियां बीवी का रिश्ता क्या होता है। अगर पत्नी रूठ जाए तो मनाने में महीने लग जाते ना, मुझे महीने तो नहीं लगेंगे ना प्रिया। हे प्रिया, कम ऑन, लेट्स गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट, अच्छा खाना खाते हैं, घर आते हैं। आज हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यही खाना खाएंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे है। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। हे मैम साहब, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप हम पर। मम्मी बताया होता कि हमारी बीवी का बर्थडे है, एक शानदार सी सेलिब्रेशन रखते हैं, बड़ी सी पार्टी रखते हैं। पार्टी वार्टी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रेम, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, और मेरा ये बर्थडे सेलिब्रेशन, तुम, हमारा ये घर और ये डाइनिंग टेबल है। प्रिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रिया, आई एम सो लकी टू बी विद यू, हैप्पी बर्थडे स्वीटी, आई लव यू प्रिया, आई लव यू। सारा काम फटाफट करो मदन। जी सर। मुझे वक्त से पहले ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। बिल्कुल सर। और सुनो, शाम को मिस्टर धर्मवीर का फोन आएगा जी, आप उनको कोटेशन दे देना जरूर, और अगर मुझसे मिलना चाहे तो कहना कि कल आके मिले। राइट सर। वो कह रहा बॉयज शाम को बीवी को पिक्चर दिखानी है। सर नई नई शादी हुई है, बीवी की सेवा नहीं करोगे तो और क्या। सर वो सोने की खान को छोड़कर कहां पत्थरों से सर पटक रहे हो। पीटर जी, आपसे मजाक करना तो कोई सीखे, बताइए कैसे आना हुआ। ये मेरे मित्र, आई मीन माय फ्रेंड मिस्टर लाल। हाय मिस्टर लाल, नाइस टू मीट यू। सर वो बिल्डिंग मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो धर्मवीर को न देकर इनको दे देना है, इसमें हम सबका फायदा है। पर मुझे तो कंपनी का फायदा देखना है ना। सर आप नए नए हैं, एक जमाने में हम भी आप ही की भाषा बोलते थे, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे हमारी भाषा ही बदल दी। गंगा बह रही है, जितना पानी भर लोगे लोटे में उतना ही अपना है। आपका मतलब? सर आप कमाए मैं कमाऊं, ये कमाए वो कमाए। पीटर जी, आप गलत जगह गलत भाषण दे रहे हैं, अपनी शिक्षा आप अपने पास रखिए, और आइंदा कभी भी प्लीज, बुजुर्ग आदमी है आप।
हेलो हेलो पीटर, प्रेम को फोन देना। सर वो तो अपनी अर्धांगिनी को पिक्चर दिखाना था इसलिए जल्दी घर चले गए। अर्धांगिनी? हाँ, आधी आपकी आधी उनकी। कमिंग कमिंग बाबा। Hey Kumar sir, welcome home. Hey Prem, welcome home. How are you doing? Doing great sir, यहाँ पर अचानक? बस यूं ही। प्रिया सुनो, यही तो कुमार साहब है, इन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। हेलो। ये सब इन्हीं की जरानवाजी है। सर ये तो सुदामा के घर कृष्ण जी आ गए। सुदामा के घर नहीं, राधा के घर कृष्ण आ गए। वैसे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। थैंक यू सर। इसी बहाने तुम्हारी प्यारी सी बीवी से भी मिल लो, काफी तारीफ करता है तुम्हारी। ऑफिस के काम में ध्यान कम और तुम पे ज्यादा रखता है। अरे सर वन सेकंड सर, फोन आया सर। या प्लीज। हाँ जी शर्मा जी, कैसे हैं आप? नहीं सर आज नहीं आ पाऊंगा सर, आई एम कमिटेड टुडे, प्लीज नॉट टुडे सर। सर आज आके मैं डिवोर्स हो जाऊंगा सर। कौन सर? 100% अभी इधर। हाँ सर, ओके सर, बाय बाय, सी यू। सॉरी सर, सर आप कुछ लेंगे? चाय, ठंडा कॉफी, कुछ? नो थैंक्स। प्रिया जो कुछ तुम देख रही हो ये सब इनकी बदौलत है, बड़े एहसान है इनके हम पर। प्रेम कहीं बाहर जाने का प्लान है? हाँ सर वो पिक्चर का प्लान है, आप भी चलिए सर। अरे हम दोनों को तो पनवेल जाना है यार। सर आज रात को? हाँ क्योंकि वहाँ बहुत अर्जेंट मीटिंग है। सर ये मीटिंग कल नहीं हो सकती सर, वो क्यों? दिनों के बाद पिक्चर का प्लान बनाया सर। और सर तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रिया को भी साथ ले चलो, इसकी भी आउटिंग हो जाएगी। गुड आइडिया सर। प्रिया क्यों? नो थैंक्स। अरे एक्सक्यूज प्रिया सर, जिस गिवे में प्रिया प्लीज लिसन। प्रिया प्रिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू? प्रिया प्रिया क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन प्रिया, प्रिया लिसन, प्रिया प्रिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें हो क्या क्या है? घर आए मेहमान के साथ इस तरह सलूक करना तुम्हें अच्छा लगता है? और ये मेहमान इज माय बॉस, मैं इनकी कंपनी में काम करता हूँ यार। अपने बॉस को अपने ऑफिस तक ही रखो, उन्हें घर लाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अपने लोग अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रेम प्लीज, तुम्हें चाय कॉफी चाहिए मैं भेज देती हूँ। चाय कॉफी? इस तरह जलील होने के बाद कोई तुम्हारे घर से एक ग्लास पानी पीना चाहेगा? प्रिया कमान उसको डाउनस्टेयर्स, कुमार साहब को बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चलूंगी, तुम जिद मत करो। जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रही हो, बिना वजह बात को आगे बढ़ाई जा रही हो। या तो कोई कारण कोई वजह तो बताओ कि तुम कुमार साहब से क्यों नहीं मिलना चाहती? मैं किसी से मिलूं या ना मिलूं ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? मेरी मर्जी कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव यू प्रिया। कुमार साहब क्या सोचेंगे? प्रिया ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब कुछ, ये सारी शानो शौकत कुमार साहब की देन है। गाड़ी, बंगला, शानो शौकत तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। अगर मुझे इन सब की जरूरत होती ना तो मैं पापा का घर छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह रही होती। प्रिया आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस एनीमोर, तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना पड़ेगा वरना कुमार साहब को बुरा लगेगा। कम ऑन लेट्स गो। नो प्लीज, मैं नहीं चलूंगी। वी हैव टू गो। मैं नहीं चलूंगी। कुमार साहब, सॉरी यार प्रिया, मुझे मेरी गलती का एहसास है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कमिंग कमिंग, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। इवन आई एम सॉरी प्रेम, लेट्स लीव इट। एक बात कहूं प्रेम, मुझे आजकल लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, मैं वो सब पीछे छोड़ आई हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार 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 चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। थैंक यू भाई साहब, ये बाती वाटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है, प्लीज। चलो ना प्रिया, बैसाखी का माहौल है, जहाँ अपने पराए सब मिलेंगे, ऐसे माहौल में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं,
एक बात बोलू प्रिया, इतनी तब्दीली तो मैंने किसी भी लड़की में नहीं देखी। कहा वो नशे में दूध प्रिया और कहा ये हमारी प्यारी प्यारी सी भाभी प्रिया। अगर मैं उस दिन नशे में धुत न होती तो प्रेम मुझे गुंडों से कैसे बचाता, और ये मुझे गुंडों से न बचाता तो हमारी मुलाकात कैसे होती, फिर हमारी शादी कैसे होती? अरे मेम साहब, तुमसे मिलना तो हमारे नसीब में था। खैर प्रिया, चलो हम सब चलते हैं, फंक्शन में खूब मजा करेंगे। क्या ये आपका हुक्म है जनाब? अरे मेम साहब, आपसे हुक्म, ये तो हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे अर्ज है, प्लीज चलिए।
बहुत दिनों से परेशान कर रखा था तुमने। बहुत घमंड था ना तुझे अपने आप पर, आज तेरे घमंड को चपना चूर कर दूंगा। जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं, करके ही रहते हैं, करके ही रहते हैं, करके ही रहते हैं, करके ही रहते हैं। गुड मॉर्निंग, रिलैक्स बेबी। क्यों अपने पति से घबरा रही हो? डार्लिंग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूध से धुला हुआ तो तुम्हारा प्रेम भी नहीं होगा। इस धरती पर ऐसे बहुत कम इंसान हैं जो अपनी बीवी के अलावा किसी औरत को छूते तक नहीं। जब आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, आनंद ले सकता है, तो तुम औरत क्यों नहीं? तुम अपने अंदर के इस डर को निकालो और फिर देखो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत और रंगीन हो जाएगी। जॉन, प्रिया घर नहीं आई यार, हमें बहुत परेशान हो। चल आगे। प्रिया, प्रिया कहाँ गई थी तुम? प्रिया, प्रिया बिना बोले पार्टी छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? मैंने सोचा तुम घर आ गई होगी, रात को ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, नशे में था। सुबह उठ के देखा तुम घर पे नहीं हो, मेरे तो होश उड़ गया यार। कहाँ थी तुम रात भर? देखो ये सब तुम्हारी कुमार साहब की देन है। कुमार, बास्टर्ड, हराम सारे बाहर निकल। हे प्रेम, क्या हो गया तुमको? How dare you touch my wife? What's wrong with you? Hey,
छोड़ूंगा नहीं तुझे। कुमार मिस्टर कुमार जॉन जॉन तुम भी अचानक कैसा? अरे यार जॉन मेरी भी पर्सनल लाइफ है यार। चल कैसी बातें कर रहा तू यार, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। बिजी यार, नेक्स्ट टाइम प्लीज फोन करके आया कर। चल चल प्लीज। अरे तू मेरी बात सुन ले यार। चल और ना ही मुझे फोन किया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जॉन भाई सब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो, मैं मिसेस प्रेम बोल रही हूँ। प्रिया, प्रिया उस रात को जो कुछ भी हुआ था मुझे उसके लिए बहुत शर्मिंदगी है। I'm really sorry. पता नहीं जब भी तुम मेरे सामने आती हो I don't know. I'm really sorry. देखिए कल रात से मेरे पति घर नहीं आए हैं। देखिए आप जॉन को फोन लगाइए, मैं भी फोन लगाता हूँ। और हाँ, वो दिल्ली जाने की बात कर रहा था, शायद अगर वो दिल्ली गया होगा तो कल तक लौट आएगा। और एक दिन इंतजार कर लीजिए। टेक केयर, बाय। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। मैं मिसेस प्रेम बोल रही हूँ। हम लोग जो 10th रोड पर रहते हैं, मेरे हस्बैंड कल रात से घर नहीं आए हैं, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए प्रेम नाम के आदमी से रिलेटेड कोई खबर नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप अपनी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में आकर दर्ज करवा दें। बीवी से परेशान होकर किसी होटल में जाकर सोया होगा। अच्छा हुआ हम लोग शादीशुदा नहीं है। जी आइए आइए। नमस्ते मैडम, आइए। जॉन भाई साहब कहाँ पर है? वो तो 3 दिन से घर पे नहीं आए। 3 दिन से वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ गए, कम से कम फोन तो कर देते। मैं खुद कितना परेशान हूँ कि कहाँ गए। अच्छा एक काम करना, अगर वो आए तो उनसे कहना मुझसे बात कर ले। जी हाँ जरूर जरूर। हाँ? जब वो आएंगे तो फोन करवा दूंगा, बात भी करवा दूंगा। अच्छा नमस्ते मैडम। कदम साहब को दे दो। जी साहब। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पति 3 दिन से घर नहीं आए हैं। आपने पति के साथ झगड़ा किया होगा? जी नहीं, हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो अपनी माँ शुका के साथ कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। आपसे झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी लड़की के साथ चक्कर भी नहीं है, फिर क्या वजह हो सकती है? घर से वो कुमार बिल्डर्स के मालिक कुमार साहब के यहाँ गए थे। तो फिर कुमार साहब के यहाँ पता कर लीजिए। जी मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने बताया कि वो शायद दिल्ली गए हुए हैं। अगर वो दिल्ली गए हैं तो आप हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? नहीं सर, अगर वो दिल्ली गए होते तो मुझे फोन जरूर करते। ये देखिए उनकी तस्वीर। लगता है ये पर्स आपके पति का है। ये पर्स तो मेरे पति का है। ये पर्स हमें माटा घाट के सुसाइड पॉइंट पर मिला था। नो नो प्लीज, मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते,
Somewhere something is wrong. जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है. मेरी मदद कीजिए प्लीज प्लीज. उनकी बॉडी कहाँ है? इतना घना जंगल है, कोई जानवर उठाकर ले गया होगा. वी आर ऑल्सो सर्चिंग. ऐसा नहीं हो सकता. प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता. ये क्या कर रही थी? सब कुछ बर्बाद हो गया है. कुछ बर्बाद नहीं हुआ है. प्रेम जिंदा है. आप झूठ बोल रहे हो. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. प्रेम जिंदा है. आओ मेरे साथ. एक मिनट. प्रिया नहीं, ये सब नसीब का खेल है. ये तो भगवान का शुक्र मनाओ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी प्रेम जिंदा बच गया. हाँ प्रिया, प्रिया दूसरों का दुख देखो.
जब तुम दूसरों का दुख देखोगी ना, तुम्हें खुद का दुख बहुत कम महसूस होगा। हिम्मत से काम लो प्रिया। प्रिया, अपने आप को कमजोर मत बनाओ, अपने आप को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें बहुत बड़ी जंग लड़नी है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है जंग लड़ने की। हाथुरी को बुलतली का चोला मत पहनाओ प्रिया। सर्वनाश कर दो शैतान को जिसने तुम्हें घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी हालत कर दो हराम जाने की कि आएंगे वो किसी भी अबला की इज्जत पर हाथ ना डाल सके। बर्बाद और तबाह कर दो उसको। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, यही तुम्हारी जिंदगी का मिशन है। औरत के नाम पे एक मिसाल कायम कर दो। प्रिया, लोहाई लोहे को काटता है। वी शैल फाइट टिल डेथ। कुछ पता चला? कुमार, प्रेम इज डेड। आई एम सॉरी। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो तुम्हें छोड़कर प्रेम से शादी की। कुमार, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर भट्ट ने मुझे प्रेम का पर्स दिया जो उन्हें सुसाइडल पॉइंट से मिला था। परेशानी में इंसान सुसाइड कर लेता है, उसने ऐसा क्यों किया? भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। सोचो तुमने कोई बुरा सपना देखा। भूल जाओ पिछले पलों को, आने वाले पल के बारे में सोचो। I still love you. I should leave. मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलती हूँ। थैंक्स कुमार। इट्स ओके। बाय बाय। Thank you.
नहीं या तू नहीं। जानवरों को प्यार करते हुए देखा है? चलते हैं तुम्हारे। डर गए क्या? जलन हो रही है? नहीं, मजा आ रहा है।
लगता है कोई आया है। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। आइए आइए भाई साहब। आप इतनी रात को? बात ही कुछ ऐसी है भाभी, आप सुनोगी ना पागल हो जाओगी। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अपना जो प्रेम है ना वो जिंदा है भाभी। हाँ भाभी, मुझे खुद इंस्पेक्टर भट्ट ने बताया। जब मैंने सुना ना मैं बहुत खुश हुआ। थैंक गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ सचमुच। चलिए चलते हैं। अभी नहीं, पता नहीं मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा ना भाभी, मैं खुद आकर आपको यहाँ से उसे मिलाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है भाभी? आसो ये। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अपना जो प्रेम है ना वो जिंदा है भाभी। जिंदा नहीं हो सकता, उसे तो मैंने मार दिया है। जॉन, तुम क्या टेलीपैथी मिलती है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त प्रेम इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ प्रिया बता रही थी, मेरा मन बोलता है वो जिंदा है। काश ये सच होता। कल तक तो मैं भी ये सोच रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन नहीं, प्रेम हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे चिंता है तो सिर्फ प्रिया की। प्रिया की क्या चिंता करना, वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, वो अपना भला बुरा खुद समझ सकती है। जॉन, इतना इमोशनल अटैचमेंट तो अपनों के साथ भी नहीं होता, और वो सिर्फ तुम्हारे मिलने वालों में से था। जॉन रिलैक्स, तो अपने बारे में सोच। बोल क्या पिएगा? चेयर अप यार, कुछ भी पिला दे यार। चल लेट्स हैव अ ड्रिंक, कम। अरे भाई धीरे धीरे, नया नया पाँव लगवाया है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कुमार साहब घर पर हैं? यस मैम। आप उनके पीए हैं? यस मैम। यहाँ सब आप ही देखते हैं? यस मैम। आप यस मैम बहुत बोलते हैं। यस बोलने में ही फायदा है, बुजुर्ग लोग बोल गए हैं कि बड़े लोगों के सामने यस सर कहते रहो और अपना काम निकालते रहो। जिस दिन नो सर बोला उस दिन बोलेंगे गो सर। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस पीटर। नहीं वो। हाय स्वीटहार्ट। हाय कुमार, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? दैट्स ग्रेट। पीटर। यस सर। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। यस सर। और कोई फोन कॉल्स नहीं। यस सर। एंड डोंट डिस्टर्ब। यस सर। मछली जाल में फंस गई। एक बात कहूँ? हाँ कहो। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। प्रिया, अच्छा हुआ तो मेरे पास आ गई। चलो आप। हाँ। प्रिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इन लहरों को देख रही हो? कितनी जोश से उठती हैं। कहीं किसी किनारे पे आकर शांत हो जाती हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी होती है, किसी मुकाम पे आकर ठहर जाती है। किसी दिन इन लहरों से कोई पूछे कि इनका दर्द क्या है, किस जोश के साथ ये सफर की शुरुआत करती हैं और फिर किस तरह शिकस्त खाकर इन्हें शांत होना पड़ता है। यही हाल मेरी जिंदगी का हुआ है कुमार। प्रिया, जितना सोच के समंदर में डूबोगी उतना ही इसमें डूबती जाओगी। हर रात अंधेरे में सूरज डूबता है, फिर दूसरे दिन नए सवेरे में नई उमंग लेकर अपनी रोशनी बिखेरता है। ऐसे ही जिंदगी जीनी है तुम्हें। चलो
किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। क्यों, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ? मुझे जॉन से मिलना है। प्रिया, तुम्हारा जॉन से मिलना जरूरी है क्या? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। चलो प्रिया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। प्रिया, मैं छोड़ देता हूँ ना। डोंट वरी अबाउट मी, मैं चली जाऊंगी। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, तुम्हारा इस तरह जॉन के घर आधी रात को जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जॉन हमारे घर जैसा है, हमारा ही आदमी है, और तुम तो इतने ब्रॉड माइंडेड हो। याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि दिमाग से सारे टेंशन निकाल दो, एकदम फ्री हो जाओ, और मैंने दिमाग से सारे टेंशन निकाल दिए हैं। और एक बात बताऊं, जब से मैंने दिमाग से टेंशन निकाले है ना, लाइफ बहुत इजी हो गई है। काश तुम जैसा पति सबको मिल जाए। क्यों, अपने ऊपर पड़ी तो होश उड़ गए?
ये कपड़ा नहीं, काले के काले जो तुमने अपने बदन पर पोत लिए। अगर ये सब करना था तो उस मासूम इंसान को अपने प्रेम के जाल में फंसाया क्यों? अरे तुम जैसी बच्चलन औरत की हरकत देखकर कोई भी शरीफ इंसान अपनी जान दे देगा। प्रेम की मौत की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो। तुम्हारे प्रेम के पास था ही क्या, प्यार के दो मीठे बोल? उनसे औरत का पेट नहीं भरता, औरत की कुछ और भी जरूरतें होती हैं, जो तुम्हारा प्रेम कभी पूरी नहीं कर सकता था। वो सब कुमार जी के पास है, धन दौलत पोजीशन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड? कमीने, राम खोर, तूने मेरी होने वाली बीवी का हाथ कैसे लगाया? अरे हाथ, तेरे चांटा की कुछ सच्चाई को नहीं छुपा सकती। अरे जो औरत खुद के पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी? याद रखना, ये औरत एक दिन तेरे को बर्बाद कर देगी। गेट आउट यू बास्टर्ड। प्रिया 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 प्लीज, प्रिया प्रिया मेरी बात सुनो, प्रिया प्लीज, प्रिया प्रिया प्लीज, डोंट गेट डिस्टर्ब यार। उस जॉन के बच्चे को मैं जान से मार दूंगा। मेरी दीवानगी के बीच कोई भी दीवार बनने की कोशिश करेगा, मैं उस हर दीवार को तोड़ दूंगा। कुमार, जॉन ने जो कहा ठीक कहा। इवन आई फील गिल्टी, प्रेम की मौत की जिम्मेदार कहीं मैं तो नहीं? अरे तुम कैसे हो सकती हो? मेरा मतलब, हालात से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली होगी। भूल जाओ बीते हुए कल को, आने वाले कल के बारे में सोचो। जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। तुम नहीं जानते हो, पापा से बगावत करके मैंने प्रेम से शादी की, पापा भी छूट गए, प्रेम भी छूट गया, मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना, मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी? नहीं नहीं, शादी नहीं, शादी नहीं। आज प्यार के सफर में तुम मेरे साथ चलने की बात कर रहे हो, कल कहीं तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नो प्लीज, नो शादी। प्रिया, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। मैं इंसान से जानवर बना सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब जानवर से शैतान मत बना मुझे। आई रियली लव यू प्रिया, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू प्रिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। जेंटलमैन, कुमार एसोसिएट्स के तमाम बिजनेस की मालकिन, मेरा मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कुमार एसोसिएट्स मैडम है, प्लीज टेक इट। प्रिया, मिस्टर मोहन कुमार कंस्ट्रक्शंस के इंचार्ज, मिस्टर संपत कुमार मोटर्स के इंचार्ज, हेलो, मिस्टर दिनेश हमारे फाइनेंस के इंचार्ज, मिस्टर अनिल हमारे क्लब के इंचार्ज, मिस्टर देसाई हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के इंचार्ज, और हमारे लीगल एडवाइजर मिस्टर मावन। हेलो सर, आपके कहे अनुसार सारे पेपर्स तैयार कर दिए। थैंक यू। मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमने शादी करने का फैसला किया है, वो खुशकिस्मत कोई और नहीं, आपकी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिया मैडम है। माफ करना कुमार साहब, ये सब ऊपर वाले की लीला है। पीटर, ये सब क्या हो रहा है? आपके नाम पर चूना पोत रहा हूँ। पीटर, अगर तुम हमारी कंपनी के पुराने नौकर नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें जान से मार देता। बंद करो ये सब तमाशा। सर, तमाशा तो आपने शुरू किया है अपनी बर्बादी का। हाँ, MD का ऑर्डर है, जो कुछ भी कहना है MD से कहिए ना। तुम सबको देख लूंगा। क्या देख लेगा, खेल तो खत्म हो गया। मेहता, मैडम कहाँ है? सर पता नहीं सर। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा था, कर दिया? नो सर। नो सर, मैंने इतने सारे चेक्स इशू कर रखे हैं,
सारे के सारे वापस चले जाएंगे। सॉरी सर, मैडम ने मना कर दिया। मैडम 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 गेट आउट। आप कहाँ से आ रहे हैं? कुमार साहब के नाम पर चूना पोत कर आ रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है सर? प्रभु की लीला न्यारी है, वो चाहे तो बाग में आग लगा दे, नहीं तो आग में बाग लगा दे। जैसी करनी वैसी भरनी, मछली फ्राई हो गई। मैडम, आपके बताए तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए जाएंगे। आपके कहने के मुताबिक बैंक में भी खबर कर दी गई है। आपके अलावा बाकी सारे डायरेक्टरों के पावर रद्द कर दिए गए मैडम। हाँ मैडम, मेहता जी को भी समझा दिया गया। ए, मैडम कहाँ है? ए, मैंने पूछा मैडम कहाँ है? यू ब्लडी इडियट्स, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? एक एक को देख लूंगा। ए पीटर, पीटर, ये सब क्या हो रहा है? पीटर, पीटर, ये सब क्या हो रहा है? ये साफ मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? सर वो लोग सही कर रहे हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? सर दिमाग तो आपका खराब हो गया है। बदतमीजी से बात मत करो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। सर मालिक तो वो है। मैं उस मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मालिक की बात कर रहा हूँ। मैं भी उस मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मालिक की बात कर रहा हूँ। और मालिक वो होता है जो हर महीने की पगार के चेक पर साइन करता है, समझे? बेटा उससे मालिक मैंने बनाया है। सर यही तो गलती कर दी आपने, सारे पावर मैडम को दे दिए। खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और मैडम ने भी आपके सारे पावर सीज कर दिए। पीटर का आखिरी सलाम, सलाम। अभी जाकर देखता हूँ इस मैडम को। रिया, कहाँ जा रहे हो? रिया, प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मेरे साथ धोखा किया। तुम कौन होती हो? मेरे ही बैंक अकाउंट सीज करने वाली, मुझे ही अपने घर से निकालने वाली, मेरे ही पावर पर कब्जा करने वाली। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैंने ही तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर रखा। तुम्हें आसमान से नीचे गिराने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरे इम्तिहान में फेल हो गए हो। सात जन्म सात देने की बातें करते हो, सात दिन में ही घबरा गए। किसे चाहिए तुम्हारी धन और दौलत? औरत की इज्जत ही उसकी दौलत होती है। वही सब जब तुम्हारे हवाले कर दिया तो फिर क्या? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी धन और दौलत। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले करती हूँ। फोन करो अपने वकील को। मैं इस रिश्ते को अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा झूठा रिश्ता। मैं इसे अभी खत्म करती हूँ। प्रिया, प्रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम बेवफा नहीं हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती।
तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करती हो प्रिया? I know you really love me. I also really love you, Priya. I'm really sorry, Priya. I'm really sorry. Please forgive me, Priya. I love you, Priya.
चल। याद है तुझे ये जगह? यहीं पर तूने मेरे पति को मारा था ना? आज मैं तेरा वही हश्र करूंगी। मैं भी तुझे यहीं से फेंकूंगी हरामजादे। क्या कर रही हो प्रिया? खिलौना समझकर मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा। तुम जैसे नंगों से निपटने के लिए लड़कियों को नंगा होना पड़ता है। पहले ये क्या तरीका प्यार करने का? क्या कर रही हो प्रिया? औरत कपड़ों से नंगी नहीं होती, समझे? ईमान से नंगी होती है। मेरा एक ही मकसद था कि मैं तुझे उसी जगह लाऊं और उसके फाद मारूं जहां पर तूने मेरे प्रेम को मारा था। मेरा प्रेम जिंदा है, मेरा सुहाग जिंदा है। देख क्या रहा हरामजादे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस दिन जब मैं तेरे घर आया था और जिस तरह से तूने मुझे अपने घर से बाहर निकाला था, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि कोई गड़बड़ है। मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे पहुंचने से पहले ही तूने प्रेम को जान से मारने के लिए धक्का दे दिया था। लेकिन और इस तरह ईश्वर ने प्रेम को तो बचा लिया, तेरे को कौन बचाएगा? धोखेबाज, तुझे क्या लगा तूने जिस शराब में नशे की गोली मिलाई वो मैंने पी ली? नहीं, मैं तो तुम्हारी साजिश को बेनकाब करना चाहता था। इसीलिए तो मैं ड्रामा कर रहा था ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान सकूं। पापा, आज कल भी रुक रहा है। हरामजादे, मारने की तूने मुझे पूरी कोशिश की थी, लेकिन आज नहीं बचेगा। उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे भी मार डालूंगा और आपको भी मार डालूंगा। मैं जान से मार दूंगा। रुक जा, मेरे जज्बातों का खून किया है, मेरी भावनाओं का खून किया है। नहीं चला तो ऐसे मर जाएगा। इसने तेरी एक टांग तोड़ी थी, ये उसकी दोनों टांगें तोड़ देगी। मार प्रिया। मेरा पैसा दे दो।
मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा।